सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम लोग आए विजिट करने हैंगिंग गार्डन प्लस कमला नेहरू पार्क बोलते। तो दोनों गार्डन एक ही ब्लॉग में शूट करके डालेंगे साथ में। अभी अंदर जाएंगे और विजिट करेंगे पूरे गार्डन को। तो यहाँ से गेट है, गेट फर्स्ट, तो यहाँ से जाएंगे और पूरा अंदर घूमेंगे। तो पूरा कमला नेहरू पार्क और हैंगिंग गार्डन है, जाते हैं अभी अंदर। चलो तो है गाइस, तो आप लोगों अगर ये हैंगिंग गार्डन आना है तो लोकेशन दिया हो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं मैप लगा के, अगर आप लोग गाड़ी से आ रहे हो। नहीं तो ट्रेन से आएंगे तो ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन उतरना, फिर उधर से 105 नहीं तो 42 नंबर बस मिलता है डायरेक्ट आपको। लास्ट स्टॉप है ये गार्डन, तो कुछ टेंशन है डायरेक्ट छोड़ देता है। फिर यहाँ पर पहला हैंगिंग गार्डन देखना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या है ना कमला नेहरू पार्क, फिर बाजू में ही है वो, फिर देख के घर पे आने का। तो देख लो, अभी जाते पहले पूरा गार्डन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद वो दिखाता हूँ। तो आप लोगों का हैंगिंग गार्डन में ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा, बस गार्डन है और ज़्यादातर बैठने के लिए बहुत सारा ऐसा कुर्सी वगैरह दिया है। तो शाम के टाइम, सुबह के टाइम पब्लिक आती है, हम लोग आफ्टरनून में इसके लिए ज़्यादा पब्लिक नहीं दिख रही है, तो आफ्टरनून में इतना तो कोई घूमता नहीं है। तो संडे ज़्यादा गर्दी होता है तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, अभी भी है मतलब कपल्स फ्रेंड्स सब लोग आते हैं यहाँ पर फैमिली, और ज़्यादातर हैंगिंग गार्डन देखने नहीं आते। बाजू में है कमला नेहरू पार्क, और उसमें आप लोग सुने होंगे जूता कंपनी, तो जूता कंपनी के बाजू में एक जूता रखा है मॉडल, तो उसको विज़िट करते हैं और वहाँ से जो व्यू दिखता है वो अलग ही होता है। तो वहाँ पर जाएंगे तो उसका सिनेमैटिक बनाऊँगा, वो उसका भी भारी है। अभी जो भी आपने सिनेमैटिक में देखा पूरा हैंगिंग गार्डन का था, अभी नेक्स्ट जाएंगे उसमें कमला नेहरू पार्क में, उसका शूट करके डालूँगा। और उधर तो और अच्छा अच्छा है देखने लायक, तो जाते हैं अभी देखते हैं और क्या। चलो यहाँ पर आप लोगों को इको पॉइंट भी मिलता है कमला नेहरू पार्क में, जस्ट आप लोग लेफ्ट साइड आएंगे ना तो ऐसा कुछ देखने मिलेगा। तो दिख रहा नहीं अभी, मैं कैमरा बैक करके सिनेमैटिक में दिखाता हूँ सब कुछ, वो व्यू अलग दिखता है। इस पूरा मुंबई दिखता है यहाँ से, मरीन और गिरगांव चौपाटी और जो सी वे ना ओशन, वो ओशन पूरा दिखता है यहाँ से। तो दिखाता हूँ अभी, देखो और देखते रहो। Thank you.
आप लोग अगर कुछ खाना होगा तो यहाँ पर स्टॉल वगैरह है, कैंटीन जैसा, लंच वगैरह सब मिलता है, डोसा वीसा नाश्ता से लेकर लंच अलग सब मिलता है, सब। तो अगर खाना है तो खा लेना। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग। तो चैनल को सब्सक्राइब करो जो नए लोग हैं, और देख करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग। चलते हैं अभी घर पे, बाय बाय।